Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, we have been telling you that the CLAT 2021 changed the GK type of questions aur uske liye I believe the method which we are adopting which will be very useful to you. Hum aapke liye method leke aaye hain. We are going to bring some around top 15 questions, theek hai, and through that you are going to get this current affair in a very quick manner. बहुत तेजी से बहुत अच्छी तरीके से इसको आप कर पाओगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, 83rd रेजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट. दोस्तों द आंसर टू दैट इज यू कैन से 27th ऑफ जुलाई, बिकॉज ऑन 27th ऑफ जुलाई 1939 सीआरपीएफ विच इज नोन एज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केम इन टू एग्जिस्टेंस एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस. क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव पुलिस है तो सीआरपीएफ एक्ट सीआरपीएफ बना और सीआरपीएफ एक्ट 1949 दिसंबर 28 को बनाया गया. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर. दोस्तों सीआरपीएफ इज अ पैरामिलिट्री फोर्स, इट इज नॉट अ नॉर्मल पुलिस एंड इट इज मिलिट्री. ओके, इट इज अ पैरामिलिट्री फोर्स, इट मीन्स इट्स अ मिडल ऑफ इट. ओके, इट हैज 246 बटालियन. ठीक है, और एक बटालियन में ऑन एन एवरेज यू कैन से दे हैव सम अराउंड यू कैन से 800 टू 900 पीपल. ओके, सो दिस इज हाउ द सीआरपीएफ इज. ओके, ये अच्छा सा सवाल है दोस्तों. मेरा भाई चानू ये बिल्कुल न्यूज में, क्योंकि अभी तक भारत के पास एक ही यू कैन से पदक है और वो भी यू कैन से हमारा चांदी क्या का पदक, दैट इज सिल्वर मेडल इज व्हाट वी हैव. ओके, we are still waiting for one gold, we are waiting for more medals, but which state government has appointed her as you can say assistant superintendent of police, that is her own state Manipur. Yes or no, inko kya swagat mila hai, kya swagat mila aur milna bhi chahiye, kyun nahi milna chahiye. Theek hai, ek hamare desh mein, theek hai, ek athletic sport ke liye koi itni mehnat karta hai to bilkul aage badhna chahiye. Recently President of which country has suspended the parliament? और वहां पे crisis चालू हो चुके दोस्तों, that is Tunisia. दोस्तों Tunisia एक ऐसा देश जहां से 2011 में पूरे अरब देशों में जो बड़े बड़े protest हुए उसकी शुरुआत हुई. 2011 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत वहां से हुई, उसको नाम दिया गया जैस्मिन रेवोल्यूशन, बिकॉज जैस्मिन इज अ नेशनल फ्लावर ऑफ टूनिशिया. तो वहां से ये लड़ाई चालू हुई थी. ठीक है, इन थ्री मंथ्स टाइम, इन 2011 इन थ्री मंथ्स टाइम, ठीक है, जो डिक्टेटर वाली गवर्नमेंट थी उसको हटाकर ठीक है से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लोगों ने रख दी. और यहीं से इंस्पायर होकर लीबिया, जॉर्डन, सीरिया, ठीक है, लोगों ने इजिप्ट, लोगों ने इसे लड़ाइयां चालू करी. ठीक है दोस्तों, काइज सईद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इगेंसे टूनिशिया. उन्होंने पार्लियामेंट को फ्रीज कर दिया, सस्पेंड कर दिया ऑन 26th. ठीक है, ऑन 26th ऑफ जुलाई उन्होंने ऐसा सस्पेंड कर दिया. ठीक है, एंड ही सेड इट इज बैक्ड बाय आर्मी. ठीक है, बट लोग ऐसा बोलते हैं इट इज अ कू. ओके, इट इज अ कू, क्योंकि भैया काफी समय से मिस्टर सईद और प्राइम मिनिस्टर हिचे मेचिनी के बीच में काफी एक ऐसे लड़ाइयां चल रही थी. देर वर डेडलॉक, देर वर डिस्प्यूट्स, दे कुडंट रिजॉल्व इट. ठीक है, और वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, बड़ी परेशानी, कोरोना के बाद हालत बिगड़ गई, लोग रास्ते पे आने लगे. ठीक है, और दिक्कतें हो गई, तो इन्होंने भैया पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया प्रेसिडेंट साहब ने, और बोला नया इलेक्शन होगा. अब नया इलेक्शन करने के जितने पहले भाई ये थोड़ी बात है. ठीक है, बड़े एनीवे टूनिशिया का ये न्यूज है. ओके, आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑफ विच पर्टिकुलर स्टेट हैज बीन एक्सपोर्टेड टू यूएई, यूएई के पास पहुंचा कौन सा एगेंसे कंसाइनमेंट, कौन से स्टेट से. दोस्तों भारत में एगेंसे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना वो काफी ज्यादा एक्टिविटी में बढ़ रहा है. ठीक है, एंड दैट इज उत्तराखंड के बारे में बात हो रही है दोस्तों. ठीक है दोस्तों, इंडिया वॉज ब्रोक इन टू टॉप 10 लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एगेंसे एक्सपोर्टर इन 2019. ठीक है, हम
लेकिन से न्यूजीलैंड को भी अब सरपास कर चुके हैं। ये सुनो, हम इंडिया हैज रिप्लेस न्यूजीलैंड एज नाइन्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोड्यूस विथ 3.1% ऑफ ग्लोबल शेयर। और इसकी वजह से WTO में भी हम काफी मेहनत कर रहे हैं। WTO भी हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा WTO बोलता है कि भाई आप जो सब्सिडी देते हो अपने एग्रीकल्चर में फार्मरों को, वो अच्छी बात नहीं है। हाउएवर इंडिया का एक बॉडी है विच इज नोन एज APEDA। APEDA का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। APEDA हैज बीन कैरिंग आउट प्रमोशनल एक्टिविटीज टू ब्रिंग उत्तराखंड ऑन द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट मैप ऑफ इंडिया। कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश के अंदर उत्तराखंड के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैव वेंट टू UAE पहली बार। ओके, सो दैट इज हाउ द आइडिया इज। रिसेंटली मिस्टर स्टीवन वेनबर्ग ही पास्ड अवे। ही वन नोबेल प्राइज इन विच पर्टिकुलर फील्ड? ही वन नोबेल प्राइज फॉर पार्टिकल फिजिक्स। किसके लिए मिला इनको? पार्टिकल फिजिक्स। दोस्तों, पार्टिकल फिजिक्स इज ऑल्सो नोन एज हाई एनर्जी फिजिक्स। इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जहां पे आप पार्टिकल का नेचर पढ़ते हो, रेडिएशन किस तरीके की एनर्जी ये रेडिएट करते हो, उसके बारे में बातें होती है। दोस्तों, आपको बताना है स्टीवन विनबर्ग को कौन से साल में, इन विच ईयर दे गेव दिस प्राइज, नोबेल प्राइज इन विच ईयर? ओके, ये आपको बताना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। गांधी पीस प्राइज सबसे पहला किस बंदे को मिला, ठीक है, और गांधी पीस प्राइज, ठीक है, को एक संस्था को कौन से साल में मिला? मतलब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं भैया, सो नोबेल प्राइज कौन से साल में पूछा जाएगा, ये तो बिल्कुल बनता है। ये सुनो, सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज। यू नो दिस गर्ल? यस, शी इज नोन एज मोमिजी निशाया, ठीक है। शी इज फ्रॉम विच कंट्री टू वन दिस गोल्ड मेडल इन टोक्यो? दोस्तों, ये मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए। शी रिमेन वन ऑफ द यंगेस्ट, ठीक है, ओके, मोमोजी निशाया। कंट्री का नाम बताइए, ऑप्शन में एक है, ओके। विच कंट्रीज, यू कैन से पासो डेल प्रादो एंड यू कैन से रेतेरो पार्क हैज बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? दोस्तों, यूनेस्को की मीटिंग चल रही है आजकल और इंडिया में 40th साइट भी आ चुकी। ये सुनो, हमने 39 साइट के बारे में कल बात करा था, 40th साइट आ गई, कौन सी? ढोलावीरा। ये सुनो, ढोलावीरा जो हड़प्पन संस्कृति के बारे में बात करता है, ठीक है, तो ढोलावीरा आ गया भैया। तो ये बात हो रही है स्पेन के बारे में, पासो डेल प्रादो एंड रेतेरो पार्क। ओके, दिस इज यू कैन से रेतेरो पार्क का फोटोग्राफ है आपके सामने। विच कंट्री हैज, दैट इज इन मैड्रिड, ओके, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू एक्टिवेट वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर? नाउ यू मे वंडर, सर व्हाट डू यू मीन बाय क्लीन रिएक्टर? क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब होता है, क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब होता है कि भैया वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर जब चालू होता है तो उसको ठंडा करने के लिए जो हैवी वाटर का यूज होता है, ठीक है, वो नहीं होगा। ओके, नाउ इट विल नॉट कंटेन हैवी वाटर, इट विल कूल इन इट्स ओन टेक्नोलॉजी वे। ओके, द आंसर टू दैट इज चाइना। चाइना ने ये काम किया है दोस्तों, ठीक है, हु हैज रिटन द बुक ओवर इट, ठीक है। दोस्तों, ओलंपिक्स की दुनिया चल रही है, ओलंपिक्स के अंदर लोलो जोन्स, शी वॉज 100 मीटर हर्डल रेस, 400 मीटर हर्डल रेस के अंदर इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी और बहुत मेडल जीते थे, अमेरिका से है, USA से है। लोलो जोन्स ने ओवर इट नाम की किताब लॉन्च करी, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव प्लांटिंग ऑफ गोल्डन राइस। यू मे वंडर, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्डन राइस? ठीक है भैया, ऐसे येलो, ठीक है, वो ऐसे पैदा ही येलो कलर के होते हैं, ऐसे नहीं कि आपने हल्दी डाल के येलो कलर बना दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोस्तों, ये जीनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, फिलीपींस ने उसके ऊपर काम किया है, ठीक है। दोस्तों, गोल्डन राइस इज द फर्स्ट जीनेटिकली मॉडिफाइड राइस विच इज अप्रूव्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, पहला ऐसा राइस है। USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया उसकी फूड सेफ्टी को एनालाइज कर रहा है, ठीक है, और बाद में उसको कमर्शियल अप्रूवल देंगे, वाल बांग्लादेश इसको रिव्यू कर रहा है। दोस्तों, ये जो से आपका गोल्डन राइस है, ठीक है, ओके, विच इज एनरिच्ड इन विटामिन ए,
ओके एंड देयर बाय इट इज बिकमिंग मोर न्यूट्रिशनल. ठीक है, उसके अंदर नॉर्मल राइस के अंदर बीटा कैरोटीन नाम का जो एक पदार्थ होता है विच इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट, बीटा कैरोटीन उसमें डालने की कोशिश करें. विटामिन ए, स्किन अच्छी बनेगी, न्यूट्रिशन बनेगा, बाल अच्छे बनेंगे. ठीक है, सो गोल्डन राइस विल प्रोवाइड 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए फॉर द यंग चिल्ड्रन. यंग बच्चों के अंदर जो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है 50% सिर्फ इस राइस से मिल जाएगा. रिसेंटली हमारे मोटा भाई ने ठीक है ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन चालू किया. कहाँ पे किया, आप फोटोग्राफ के बैकग्राउंड को देखेंगे तो पता चलेगा. एक भाई साहब छाता लेके खड़ा है. छाता लेके खड़ा क्यों रहना पड़ता है, क्योंकि भाई आप ऐसी जगह पे खड़े हो जो वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस माना जाता है. ठीक है, दैट इज नोन एज चेरापूंजी. हालांकि अभी वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस इज मौसिनराम. ओके, चेरापूंजी में इन्होंने लॉन्च किया है इसको. विच कंट्री हैज रिसेंटली कंफर्म्ड आउटब्रेक ऑफ नोरो वायरस. अभी एक वायरस से छुट्टी तो मिली नहीं है. हाँ भैया, ये बड़ा कंटेगियस वायरस है. ठीक है, जो वॉमिटिंग और डायरिया क्रिएट करता है, जिसको पॉपुलरली विंटर वॉमिटिंग बग भी बोलते हैं. ठीक है, एंड दैट हैज स्टार्टेड इन यूके. दोस्तों ये सब क्लाइमेट चेंज की दुनिया है जिसमें अलग अलग तरीके के वायरस आ रहे हैं और दिक्कतें हो रही है. रिसेंटली आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज गॉन फॉर एन ऑफिशियल विजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. He started with Tajikistan, then he went to Tajikistan, then he went to Russia. Okay, बड़े बड़े डील करने ने भैया, है ना, S-400 लेके आना है. ठीक है, वो Kalashnikov राइफल लेके आनी है. ठीक है, ये सब काम करना है. सो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के दिन का, who has launched My Government उत्तर प्रदेश पोर्टल. ऑब्वियसली योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया था. ठीक है, चलिए ग्रेट है दोस्तों, आपको ये मेथड समझ में आ रही होगी. दोस्तों अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया आपको ये मेथड पसंद आ रहा है कि नहीं. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.